जहां पना, हरिराम नाम का एक किसान आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, उसे अंदर भेज दो। जहां पना, मेरी मदद कीजिए जहां पना। क्या हुआ हरिराम, क्या परेशानी है तुम्हें? जहां पना, मैं फल और सब्जियों की खेती करता हूँ और थोड़ा थोड़ा धन बचा कर मैं एक मटके में छुपा कर जमीन में गाड़ कर रखता था, लेकिन आज सुबह जब मैं खेत पहुँचा तो मेरा गड़ा हुआ धन चोरी हो चुका था जहां पना। ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात है, अपने घर से बाहर कौन अपना धन जमीन में गाड़ कर रखता है? मैं सच कह रहा हूँ जहां पना, चोर लुटेरों के डर से मैं अपना धन खेत पर ही छुपा कर रखता था, जिसे मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए जोड़ रहा था। अगर वो धन नहीं मिला तो मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाऊंगा जहां पना, मेरी मदद कीजिए। ठीक है हरिराम, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं और वो जगह देखना चाहते हैं जहां तुम अपना धन गाड़ कर रखते थे, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए बिरबल, चलकर देखते हैं कि इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। जी जहां पना। ये देखिए जहां पना, यहाँ इसी कटहल के पेड़ के नीचे मैं अपना धन छुपा कर रखता था। बिरबल, इस गड्ढे को देखकर तो ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ कभी किसी ने धन गाड़ कर रखा होगा। आपको क्या लगता है, हरिराम सच कह रहा है? झापना, किसी के कहने भर से कोई बात मान लेना जायज नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हरिराम सच कह रहा है, क्योंकि ये गरीब साधारण किसान तो क्या, कोई भी अपने मनोरंजन के लिए शहंशाहे हिंद का समय बर्बाद करने की जुर्रत नहीं कर सकता। अगर आपको हरिराम की बातों में सच्चाई दिख रही है बिरबल, तो आप ही ये मामला सुलझाइए। जैसी आज्ञा जहां पना। हरिराम। हुजूर। क्या तुम्हारे सिवा किसी और को भी इस धन के बारे में पता था? नहीं हुजूर, इस पूरे संसार में मेरे अलावा इस धन के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। हो सकता है किसी ने तुम्हें धन गाड़ते हुए देख लिया और मौका मिलते ही वो धन को ले उड़ा। नहीं हुजूर, इस बात का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मैंने करीब एक महीने पहले मटके में 5 चांदी के सिक्के और जोड़े थे। यदि उस वक्त किसी ने भी मुझे देखा होता तो वो मेरे यहाँ से जाते ही धन निकाल लेता, एक महीने का इंतजार नहीं करता हुजूर। जापना, ये मामला थोड़ा पेचीदा है, यहाँ ऐसा कोई सबूत भी नहीं कि चोर तक पहुँचा जा सके। मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। हम आपको 2 दिन का वक्त देते हैं बिरबल। अगर इन 2 दिनों में आप इस मामले को सुलझा लेते हैं तो ठीक है, वरना हरिराम जितना कहेगा उसका दुगना धन आपको इसे देना होगा। क्योंकि आप ही को लगता है कि ये सच बोल रहा है। आप चिंता मत कीजिए स्वामी, सब ठीक हो जाएगा। पर भागवती, अगर धन नहीं मिला तो हम निर्मला का विवाह कैसे कर पाएंगे? पिताजी, अब ये मामला बीरबल जी के हाथ में है, वो तो अंधेरे में से उजाला ढूंढ कर लाने की ताकत रखते हैं। बेशक इस चोरी का कोई सबूत नहीं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि बीरबल जी चोर को अवश्य पकड़ लेंगे। स्वामी ये लीजिए, खाना खाइए। अरे तुम कब आई उर्वशी? जब आप अपनी ही किसी दुनिया में खोए हुए थे। क्या जान सकती हूँ क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं उर्वशी, आज जहाँ पना ने एक पेचीदा मामला सौंप दिया है, उसी मामले को सुलझाने की युक्ति सोच रहा था। ज्यादा सोचने से पेट खराब हो जाता है स्वामी, अगर ऐसा हुआ तो मुझे 10 कोस दूर जाकर
कटहल की जड़ लाकर उसकी दवा बनाकर आपको खिलानी पड़ेगी। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि ज्यादा सोचकर मेरा काम न बढ़ाइए, क्योंकि घर में वैसे ही बहुत काम रहता है। अरे 10 कोस दूर जाने की कोई जरूरत नहीं उर्वशी, कटहल की जड़ तो तुम्हें यहीं पास में हरिराम जी के खेत से ही मिल जाएगी। कटहल की जड़? आइए बिरबल, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। प्रणाम जहापना। प्रणाम बिरबल। कहिए, हरिराम के धन का चोर मिला कि नहीं? जहापना, मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि आपके दिए 2 दिन के समय से पहले ही उस चोर को पकड़ लूं, किंतु ये पेट बीच में आ रहा है। क्यों बिरबल, क्या हुआ तुम्हारे पेट को? बिना किसी सबूत के चोर तक पहुंचने का सोच सोच कर मेरा पेट खराब हो गया है जहापना। शाही वैद्य की दवा से भी आराम नहीं मिला। अब जब तक ये पेट का दर्द ठीक नहीं हो जाता, मैं हरिराम जी का चोर तो क्या, एक चींटी पकड़ने के बारे में भी नहीं सोच सकता। आप चिंता ना करें बिरबल, हम राज्य भर के अच्छे से अच्छे वैद्यों से आपका इलाज करवाएंगे। सिपाहियों, जी जहांपनाह, जाओ और राज्य के सभी अच्छे वैद्यों को दरबार में लेकर आओ। जी जहांपनाह। सिपाही, हरिराम जी को भी साथ लेते आइएगा। जी बिरबल जी। बिरबल ने वैद्य के साथ साथ हरिराम को लाने को क्यों कहा? जहांपनाह, हुकुम के मुताबिक हम हरिराम जी और राज्य के सबसे अच्छे वैद्यों को ले आए हैं। हरिराम जी, आपके मामले पर थोड़ी देर में गौर किया जाएगा, आप इंतजार कीजिए और आप सभी जल्द से जल्द बिरबल जी का इलाज शुरू करें। जहांपनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इलाज से पहले इन वैद्यों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जरूर बिरबल जी, पूछिए जो पूछना है। शुक्रिया जहांपनाह। क्या मैं आप लोगों का नाम और आप किन चीजों से औषधि बनाते हैं जान सकता हूँ? मेरा नाम देवीदत्त है मंत्री जी, मैं हरद के बीज और अदरक को पीसकर दवा बनाता हूँ। आप? मेरा नाम दीनानाथ है हुजूर, मैं मेथी और अनारदाने से औषधि बनाता हूँ। और आप श्रीमान? मेरा नाम त्रिभुवन दास है बीरबल जी, मैं कटहल की जड़ से औषधि बनाता हूँ। तो कहीं आप ही तो वो चोर नहीं जिसने हरिराम के खेत से उनका गड़ा धन चोरी किया है? बीरबल जी, जिस धन के बारे में आप बात कर रहे हैं वो मैं साथ ही ले आया हूँ। जहांपनाह, मैं कटहल की जड़ के लिए खेतों पर गया था, जहाँ खुदाई में मुझे धन से भरा ये मटका मिला। 4 गांव दूर रहने की वजह से मुझे ये पता नहीं था कि वो खेत हरिराम का है और धन भी उसी का है। लेकिन मैं सच कहता हूँ कि मैं इस धन के मालिक को खोजना चाहता था, परंतु मुझे जल्द से जल्द अपने मरीज का इलाज करना था, इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से मुझे ये धन अपने साथ ले जाना पड़ा। किंतु दरबार आते हुए मैं इसे अपने साथ ही ले आया, ताकि इसे बादशाह अकबर के हवाले करके इसके मालिक के पास पहुंचा सकूं। आपकी ईमानदारी को बिरबल का प्रणाम त्रिभुवन जी। लीजिए महाराज, आपके दिए हुए समय से पहले ही मैंने हरिराम जी के धन को ढूंढ निकाला जो कि त्रिभुवन जी के पास सुरक्षित था। त्रिभुवन जी, इतना धन देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती थी, आपकी ईमानदारी को देखकर हम आपको अभी शाही वैद्य नियुक्त करते हैं। शुक्रिया बादशाह हुजूर। लेकिन बिरबल, हम ये जानने को बेताब हैं कि बिना किसी सबूत के आप इस मामले की जड़ तक कैसे पहुंच गए? जहांपनाह, मैं घर में बैठा हरिराम जी के धन के बारे में ही सोच रहा था कि तभी। ज्यादा सोचने से पेट खराब हो जाता है स्वामी, अगर ऐसा हुआ तो मुझे 10 कोस दूर जाकर कटहल की जड़ लाकर उसकी दवा बनाकर आपको खिलानी पड़ेगी। कटहल और उसकी जड़ से दवा बनाने की बात सामने आते ही मुझे हरिराम जी के कटहल का पेड़ और उसकी जड़ याद आ गई, जहाँ से धन गायब हुआ था। बस जहांपनाह, फिर क्या था, मैंने 2 और 2 जोड़ लिए और बाकी सब आपके सामने है।
वाह बिरबल, क्या जोड़ बिठाया। हम सोच रहे थे कि आपने वैद्यों के साथ साथ हरिराम को क्यों बुलावा भेजा है, जिसका जवाब हमें मिल चुका है। और हम ये भी समझ गए कि आपका पेट दर्द झूठा था। वाकई बिरबल, आप लाजवाब हैं। हरिराम जी, जहां पना, आप अपना धन ले जा सकते हैं। साथ ही आप पर शक करने के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं और ये ऐलान करते हैं कि आपकी बेटी का विवाह शाही खर्चे पर किया जाएगा। बादशाह अकबर की जय, बीरबल जी की जय। क्या बात है वजीर जी, बहुत परेशान लग रहे हैं आप। सही कहा तुमने नटवर, जहांपनाह अकबर और बीरबल की बढ़ती दोस्ती हमें रास नहीं आ रही। जब तक वो है हम दिल्ली नहीं लूट सकते। आप मुझसे क्या चाहते हैं? बीरबल को रास्ते से हटाना है। आपके पास कोई योजना है? हाँ नटवर, मेरे पास योजना है और उस योजना का पहला वार सूरज करेगा। ये कौन है? सूरज, शाही नाई। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, तो क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? तुम हमारे खास हो सूरज, पूछो क्या पूछना है। जहाँ पना, क्या आपने कभी पता किया है कि आपके पूर्वज जन्नत में कैसे रह रहे हैं? ये कैसा सवाल है सूरज? मरे हुए लोगों का हालचाल भला कोई कैसे जान सकता है? ये नामुमकिन है। नामुमकिन अब मुमकिन हो चुका है जहाँपना। राज्य में एक बहुत बड़े तपस्वी आए हैं जो अपनी अद्भुत शक्तियों से किसी को भी जन्नत भेजकर किसी के भी पूर्वजों का हालचाल पता करवा सकते हैं। वजीर अब्दुल्ला जी भी उन्हें बहुत मानते हैं। अगर ये सच है तो हम उन तपस्वी से जरूर मिलना चाहेंगे। तेरा खेल खत्म बीरबल। तपस्वी योगेश्वर जी को बादशाह अकबर का प्रणाम। जय बम बम भोले। योगेश्वर जी, शाही नाई और मंत्री अब्दुल्ला जी ने हमें आपकी शक्तियों के बारे में बताया है कि आप जन्नत सिधार चुके लोगों का हालचाल पता करवाने में सक्षम है। आपने सही सुना है जहांपनाह, हमारे पास किसी दूत को जन्नत भेजने की शक्ति है। बम बम भोले। आपकी उसी शक्ति से हम अपने पूर्वजों का हाल जानना चाहते हैं योगेश्वर जी। जैसी आपकी आज्ञा जहांपनाह, किंतु ये जानना बहुत आवश्यक है कि जन्नत भेजे जाने वाले लोगों में से बहुत कम लोग हैं जो वहाँ के ऐशो आराम को छोड़कर वापस आने की हिम्मत कर पाए हैं, क्योंकि दूत को भेजना हमारे वश में है, किंतु उसका लौटना उसकी खुद की इच्छा पर निर्भर करेगा। इसीलिए आप अपने पूर्वजों की जानकारी लेने उसी को भेजें जो आपका सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हो। भरोसेमंद व्यक्ति को खोजने के लिए हमें थोड़ा विचार करना होगा योगेश्वर जी। इसमें विचार करने की क्या जरूरत है बादशाह सलामत, आपका भरोसेमंद व्यक्ति बीरबल जी के रूप में आपके सामने है। क्यों बीरबल जी? जी वजीर अब्दुल्ला जी, आपने सत्य कहा, हम बादशाह सलामत के लिए जन्नत जा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपनी जान भी दे सकते हैं। हमें तुम्हारी जान ही चाहिए बीरबल। किंतु हम योगेश्वर जी से कुछ जरूरी बातें पूछना चाहते हैं जहांपनाह। पूछिए। योगेश्वर जी, आप मुझे जन्नत के सफर पर कैसे भेजेंगे? जन्नत का ये सफर चिता की अग्नि से होकर गुजरता है बीरबल जी। आपको चिता में बैठाकर मैं अपनी शक्ति से उसमें पवित्र अग्नि जलाऊंगा जो आपको सीधा जन्नत ले जाएगी। जय बम बम भोले। और ये क्रिया
कहाँ पर करनी होगी? ये क्रिया यमुना नदी के तट पर पूर्ण की जाएगी बीरबल जी। जन्नत आने जाने के सफर में समय कितना लगेगा योगेश्वर जी? यही कोई 2 महीने। जहाँपना, 2 महीने के लंबे सफर पर जाने के लिए मुझे अपनी जरूरतों का सामान इकट्ठा करना होगा, जिसमें मुझे 5-6 दिनों का समय लगेगा। जैसा आप कहें बीरबल, आज से ठीक 6 दिन बाद आपको यमुना नदी के तट से जन्नत भेजा जाएगा। जन्नत के सफर के दौरान हमें 2 महीनों तक दिल्ली से दूर रहना होगा। समय बहुत कठिन है, हमें सावधान रहना होगा। जय बम बम भोले। मार दिया मैंने बीरबल को। अब बादशाह अकबर का खास सलाहकार बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। उनका विश्वास पात्र बनकर मैं दोनों हाथों से इस देश को लूटूंगा। तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आज से तुम दोनों मेरे खास, जाओ ऐश करो। योगेश्वर जी, जन्नत के सफर पर गए हुए 2 महीने का समय बीत चुका है बीरबल को। उन्हें वापस लौटने में और कितना वक्त लगेगा? जय बम बम भोले। गुस्ताखी माफ हुजूर, हमने आपसे पहले ही कहा था, जन्नत के सफर पर जाने वाले ज्यादातर लोग जन्नत का ऐशो आराम देखकर वापस नहीं आते। शायद बीरबल जी वापस नहीं आना चाहते। नहीं नहीं योगेश्वर जी, एक बार सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन बीरबल हमारा भरोसा कभी नहीं तोड़ सकते। इस भरोसे के लिए आपका शुक्रिया जहाँपना। मर गए बीरबल। प्रणाम जहाँपना। प्रणाम बीरबल, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे बीरबल। हम जन्नत में रह रहे हमारे पूर्वजों के बारे में जानने के लिए बेसब्र हो रहे हैं। जहाँपना, जन्नत में रह रहे आपके सभी पूर्वज बेहद खुश हैं। योगेश्वर जी ने सत्य कहा था, जन्नत का ऐशो आराम छोड़कर लौटना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपको लौटने का वादा जो किया था, इसलिए मुझे लौटना पड़ा। वादा निभाने के लिए शुक्रिया बीरबल, लेकिन क्या ये सच है कि हमारे पूर्वजों को जन्नत में कोई तकलीफ नहीं? अगर है तो कृपया हमें बताएं, हम उस कमी को अभी दूर कर देंगे। यदि ऐसा है जहाँपना, तो तुरंत एक नाई को जन्नत भेज दीजिए। नाई को? जी जहाँपना, आप सब मेरे बड़े हुए बाल देख ही रहे हैं ना, जन्नत में कोई नाई न होने के कारण वहाँ सबको लंबे बालों के साथ ही रहना पड़ रहा है। अगर आप नाई भेज देंगे तो आपके पूर्वजों को लंबे बालों से छुटकारा मिल जाएगा। जरूर बीरबल, शाही नाई को बुलाओ। प्रणाम जहाँपना, आपने बुलाया मुझे। सूरज, तुमने हमें योगेश्वर जी से मिलवाया, उसके लिए हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। बीरबल जी जन्नत से लौट आए हैं, इन्होंने बताया है कि हमारे पूर्वजों को एक नाई की जरूरत है। योगेश्वर जी, इन्हें अभी के अभी जन्नत भेजने का प्रबंध करें। नहीं नहीं जहाँपना, मुझे माफ कर दीजिए, जन्नत का सफर जन्नत का नहीं बल्कि मौत का सफर है, जिसे वजीर अब्दुल्ला ने बीरबल जी को मारने के लिए रचा था, क्योंकि इन्हें आपकी और बीरबल जी की बढ़ती दोस्ती से नफरत थी हुजूर। और ये सन्यासी, सन्यासी नहीं, मशहूर ठग नटवर है। मुझे नहीं पता जहाँपना बीरबल जी आग से कैसे बच निकले, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं आग से नहीं बच पाऊंगा हुजूर। मैं मरना नहीं चाहता जहाँपना, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। इतना बड़ा धोखा
सिपाहियों, ले जाओ इन्हें और डाल दो कारागार में। नहीं जहांपनाह, ऐसा ना करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दे, माफ कर दे। एक बार मैं अपराध माफ करने का सोच सकता हूँ वजीर अब्दुल्ला, लेकिन विश्वासघात कभी माफ नहीं कर सकता। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। आप वाकई बहुत बुद्धिमान हैं बिरबल, और ये हम सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपको इन धूर्त लोगों की साजिश का पता कैसे चला। जहांपनाह, जब योगेश्वर ने मुझे पवित्र अग्नि में जलाकर जन्नत भेजने की बात कही थी, उसी वक्त मुझे इन पर शक हो गया था, क्योंकि आग में जलकर इंसान सिर्फ एक ही सफर पर जा सकता है, और वो है मौत का सफर, और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते जहांपनाह। लेकिन चिता में जलते हुए तो हमने खुद आपको अपनी आंखों से देखा था, फिर आप ये बताइए बिरबल की दहकती हुई आग से आप बचकर निकले कैसे, और बीते 2 महीने तक कहां थे आप? जहांपनाह, इन लोगों पर शक होते ही मैंने आपसे कुछ दिनों की जो मोहलत मांगी थी, उसी दौरान मैंने यमुना तट से अपने घर तक एक सुरंग का निर्माण करवा दिया। चिता में आग लगते ही मैं उसके नीचे बने खुफिया रास्ते से होते हुए अपने घर पहुंच गया, और 2 महीने तक वहीं रहकर मैंने अपने बाल बढ़ाए, ताकि इन तीनों में से सबसे कमजोर कड़ी नाई को अपनी योजना में फंसाकर उसी के मुंह से सच सबके सामने ला सकूं। बहुत खूब बिरबल, बहुत खूब। आप वक्त की वो अनमोल धरोहर हैं जिसे खुदा ने हमारी झोली में बख्शा है। आइए, हमारे गले लग जाइए। बादशाह अकबर जिंदाबाद, बीरबल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हद होती है तुम लोगों की। जानवरों के खाने पीने में तुमने 21 सोने की मोहरे खर्च कर दी, और तुमने खेतों में ऐसा क्या लगवा दिया कि 15 सोने की मोहरे खर्च हो गईं? मालिक, जानवरों को भरपूर चारा नहीं खिलाएंगे तो सुबह शाम वो दूध कैसे देंगे? और खेतों में गोबर खाद घर से जाते हैं, खेत पर पहुंचाने के लिए मजदूरों को भी मजदूरी देनी पड़ती है मालिक। यदि तुम दोनों ने अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता तो इतनी फिजूल खर्ची नहीं होती। रमेश जी, आज से गाय भैंसों को चराने के लिए तुम जंगल लेकर जाओगे, इससे चारे का खर्चा बचेगा। जंगल में जानवरों का जो भी गोबर इकट्ठा होगा उसे तुम वापस आते हुए रामलाल को खेतों पर दे दोगे। ऐसा करने से घर से खाद लेकर जाने के लिए मजदूर पर लगने वाला धन भी बच जाएगा। जाओ तुम दोनों। आज से पहले इतना कंजूस सेठ तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने भी। डरा दिया तुमने। चलिए, कभी तो डरे मुझसे। खैर, मुझे 2 सोने की मोहरे चाहिए। सोने की 2 मोहरे? किस लिए? रसोई का सारा सामान खत्म है, वही लाना है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इतना खर्च क्यों, जबकि सब्जियां तो हमारे ही खेतों से आती हैं। रसोई सिर्फ सब्जियों पर ही नहीं चलती रोहन के बापू, और भी बहुत कुछ लगता है। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। खर्चे कम करो तुम, चाहे एक वक्त का व्रत रख लो, लेकिन महीने भर में रसोई का खर्च 1 सोने की मोहर से अधिक नहीं जाना चाहिए। समझ गई ना तुम? हे भगवान, इसने तो सब तोड़ दिया। आज घी की हांडी तोड़ी है, कल चद्दर फाड़ी थी तूने, और कितना नुकसान करेगा तू मेरा? अब नई हांडी खरीदनी पड़ेगी। हांडी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। हांडी खरीदनी है तो पहले घी बनाकर बाजार में बेचो, उसकी बचत से ही हांडी लेना। तब तक हम सब सूखी रोटी से ही गुजारा कर लेंगे। इस तरह पेट काटकर खर्च कम करने से अच्छा होगा कि आप रोहन के लिए एक अच्छा अध्यापक खोजिए, जो इसे सही गलत की परिभाषा समझा सके। तो तुम समझाओ ना, धन खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस उम्र में बच्चे को माता पिता की नहीं
बल्कि अध्यापक की सीख की आवश्यकता होती है रोहन के बापू। कंजूसी में बच्चे को मत बिगाड़िए। आप फिक्र न करें दुनीचंद जी, हम कोई न कोई इंतजाम जरूर कर देंगे। ठीक है जहांपनाह। जहांपनाह अकबर को बीरबल का प्रणाम। आइए बीरबल, दरअसल हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, इनसे मिलिए। ये है हमारे मित्र दुनीचंद जी, नगर के आखिरी छोर पर इनका मकान है। इन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अच्छे और समझदार अध्यापक की जरूरत है। अगर आपकी नजर में कोई ऐसा अध्यापक हो तो बताइए। जी जहांपनाह, मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं। मैं उन्हें कल ही धुनीचंद जी के घर भिजवा देता हूं। बहुत अच्छे बीरबल, हमें आपसे यही उम्मीद थी। ये क्या किया नालायक, पूरे हिसाब किताब पर स्याही फेर दी तूने, कुर्ता भी खराब कर दिया। मैं फिजूल खर्ची बचाने में लगा हूँ और तू नुकसान पर नुकसान कर रहा है। ठहर, तू गलती आपकी है। जब आपको पता है कि मैं यहाँ खेलता हूँ तो आपको यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए था। नहीं बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं किया करते। ओ जी, आप? मेरा नाम परमानंद है धुनीचंद जी, मुझे बीरबल जी ने आपके बेटे को पढ़ाने के लिए भेजा है। ऐसी बात है तो जिसे आपको पढ़ाना है वो आपके सामने ही है, ये मेरा बहुत नुकसान करता है। बच्चे शरारती ही होते हैं धुनीचंद जी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज से ये आपके नुकसान का कारण ना बने। तो ठीक है, मैं आपको हर महीने एक सोने की मोहर पर रखता हूँ। इस दौरान आपका भोजन पानी हमारी तरफ से ही होगा। आपको स्वीकार है? जी स्वीकार है। किंतु मुझे स्वीकार नहीं, मुझे अभी पढ़ना नहीं खेलना है। रोहन, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता और मित्रगण तुम पर गर्व करें तो एक बात का ध्यान हमेशा रखना कि प्रत्येक कार्य का एक सही समय होता है। खेल के समय खेल का और पढ़ने के समय पढ़ाई का। मतलब अगर मैं समय से पढ़ाई कर लूंगा तो आप मुझे खेलने देंगे? बिल्कुल, खेल कूद करना तो बच्चों का अधिकार है। ऐसा है गुरुजी, तो आज से मैं पढ़ने के बाद ही खेला करूंगा। पिताजी, क्या मैं खेलने के लिए बाहर जा सकता हूँ? अवश्य पुत्र। बहुत अच्छे परमानंद जी, आपने तो हमारा बिगड़ेल बच्चा एकदम संस्कारी बना दिया। यदि आपको मेरी मेहनत दिखाई दे रही है धुनीचंद जी, तो कृपया 3 महीने से रोका हुआ मेरा मेहनताना मुझे दे दीजिए। जी वो मुझे कहना तो नहीं चाहिए गुरुजी, पर आप जरूरत से कुछ ज्यादा ही खाते हैं। आपके मेहनताने से ज्यादा तो मैं आपको खाना खिला चुका हूँ, और अगर हिसाब जोड़ने बैठे तो मुझे आपसे धन लेना पड़ जाएगा, इसलिए जैसा चल रहा है चलते रहने दीजिए। लेकिन सेठ जी, बहस करने में कोई लाभ नहीं होगा परमानंद जी, आप जा सकते हैं। आपने गुरुजी की दक्षिणा हड़प करके अच्छा नहीं किया रोहन के बापू। पैसा बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ सुनैना, तुम रसोई संभालो। मंत्रीगण, अगर दरबार का आज का काम खत्म हो गया हो तो। दुहाई हो जहांपनाह, दुहाई हो, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहने वाले पहले अपना परिचय दो। जहांपनाह, मैं इन्हें जानता हूँ, ये परमानंद जी हैं। मैंने इन्हें आपके मित्र धुनीचंद जी के पास उनके बेटे को पढ़ाने के लिए भेजा था। कहिए परमानंद जी, आपको किस बात का इंसाफ चाहिए? जहांपनाह, मैंने पूरी ईमानदारी से धुनीचंद जी के बेटे को पढ़ाया, परंतु 3 महीने बाद भी वो मुझे मेरा मेहनताना नहीं दे रहे। अगर ऐसा किया है तो धुनीचंद जी ने बहुत गलत किया है। सैनिकों, धुनीचंद जी को जल्द से जल्द दरबार में हाजिर किया जाए। जी जहांपनाह। प्रणाम जहांपनाह। आप हमारे मित्र हैं,
हमारे कहने पर ही बिरबल जी ने परमानंद जी को आपके घर आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए भिजवाया था, लेकिन आपने 3 महीने के बाद भी इन्हें इनका मेहनताना नहीं दिया। हम इसका कारण जानना चाहते हैं। दरअसल बात यह है जहां पन्हा, परमानंद जी खाते बहुत हैं। जितने का इन्होंने मेरे बेटे को पढ़ाया नहीं है उससे ज्यादा का तो मैं इन्हें खिला चुका हूँ। ऐसी सूरत में अगर मैं इन्हें मेहनताना देता हूँ तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना। ये क्या कह रहा है? ये तो बड़ा पेचीदा मामला है। अब तो बिरबल ही कुछ कर सकते हैं। बिरबल, हम चाहते हैं कि इस मामले को आप ही सुलझाएं। जी जहांपना, धूनी चंद जी की समस्या मैं बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूँ जहांपना। इसीलिए मैं परमानंद जी की जगह इनके बेटे के लिए एक ऐसे अध्यापक का प्रबंध कर देता हूँ जो शिक्षा देने के बदले में ना तो इनसे धन मांगेंगे और ना ही अन्न। इस तरह इनके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। क्या आपको ये मंजूर है दुनीचंद जी? अब मुझे बीरबल जी का प्रस्ताव मंजूर है जहां पन्हा। ये लीजिए परमानंद जी, आपका मेहनताना। शुक्रिया। आपने मेहनताना दे दिया है तो मैं दूसरे गुरुजी को लेकर आता हूँ। ये लीजिए धुनीचंद जी, ये रहे दुनिया के सबसे बड़े अध्यापक गौतम बुद्ध, ज्ञान के भंडार। आपका पुत्र इनसे ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करेगा तो सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा, जिसके लिए न तो ये दक्षिणा लेंगे और ना ही आपका अन्न खाकर आपका नुकसान करेंगे। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है बीरबल जी। ज्ञान काठ की मूर्ति नहीं बल्कि जीवित व्यक्ति ही बांटता है, और जीवित व्यक्ति को जीने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती ही है। आज से परमानंद जी को मैं 1 नहीं बल्कि 2 सोने की मोहरें दूंगा। आज से कंजूसी हमेशा हमेशा के लिए बंद। मुझे आपसे यही उम्मीद थी धुनी चंद जी। जहां पन्हा अकबर, आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति आपके दरबार का हिस्सा हैं। इसमें तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है दुनी चंद जी, बीरबल बहुत ही काबिल है। बीरबल जी की जय, बादशाह अकबर जी की जय।